6 सेंटीमीटर कोर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन, कोर मतलब होते हैं भुजा। अगर एक घन बनाया जाए, ये हम घन बना रहे हैं, इसकी जो कोर है भुजा, ठीक है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं। से 2 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक घन बनाना है जिसकी कोरें कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे इसको बनाना है तो संख्या बढ़ानी होगी, मतलब कितनी संख्या में ये बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नहीं बदलता है वो इनका आयतन क्या होता है, वो आयतन नियत रहता है, वो नहीं बदलता है। आपको ये याद रखना होगा कि आयतन नियत रहता है। तो सबसे पहले बात है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन जो दिया गया है, इसका आयतन क्या होगा वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, भुजा की घाते 3, ठीक है, भुजा क्यूब यानी 6 की घाते 3, 6×6=216, ये क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर भुजा वाले या फिर कोर वाले घन का आयतन। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन जो हो जाएगा 2×3 हो जाएगा, 2×4=8 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। अब वे बात को बताना है कि घनों की संख्या कितनी होगी, घनों की संख्या, ठीक है, दोनों स्थितियों में जो उनका आयतन है वो बड़े नहीं बदलता, कुल मिला के हमको ये रखना होगा, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। याद रखने वाली बात ये होती है कि बस इनका आयतन नहीं बदलता है, तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन कर देंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको 216 को ऊपर रखना होगा और 8 को नीचे रखना होगा। अगर आप ऐसा ना कर पाए, मतलब भाग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम एक तरीका अपना सकते हैं, भैया 6×6=216 हो रहा था, क्या किया गया था, 6 को गुणा किया गया था कितनी बार, 3 बार, और 2 को गुणा किया गया था कितनी बार, 3 बार। ये भी 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3×3=27, और 27 क्या मिल गया, ये संख्या हो गई। 27 घन हैं जो बनेंगे, यानी कि इस बड़े घन को पिघला करके जब इसको बनाया जाएगा, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया जाएगा, तो यह पिघला कर बनाया जाए या फिर काट के बनाया जाए, दोनों ही स्थितियों में आपको 27 घन प्राप्त होंगे। आइए चलिए काट के देखते हैं एक बार। 6 सेंटीमीटर भुजा का है, एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, ठीक है, ये 2 का हो जाएगा 2, 2×4=6, और ऐसे जब काटा जाएगा, ठीक है, तो ये भी टोटल 6 का है, तो 2, 2, 2 करके से, और ऐसे भी तो काटना होगा ना, ये देखिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा गंदा कट गया, बट ऐसा कुछ कटेगा, ठीक है। तो आगे वाली रेंज जो परत देखेंगे तो उसमें 9 घन हो गए, उसके बाद वाली जो ये वाला हिस्सा है उसमें भी 9 घन होंगे, उसके बाद भी 9 घन होंगे, 9, 18, 27, तो टोटल हो गया 27। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि 27 घन किस प्रकार से हो गए हैं।